हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। इस समय जो आप देख रहे हैं वो है एक स्पेशल सीरीज, जहां पर मैं आपको लगातार जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्ट उनके समझा रहा हूं, और इन कॉन्सेप्ट के जरिए आप काफ़ी कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन टॉपिक्स के जरिए सारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आप एग्जामिनेशन में अच्छे से कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि शॉर्ट लेक्चर्स में हम बड़े टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको पूरा देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नया आए हो पहले लेक्चर देख लें, क्वालिटी आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मैं यहाँ सीख सकता हूँ, तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल बटन भी जरूर दबाएं, बेस्ट बेनिफिट रहेगा आपको। ओके, इसके अलावा अनअकैडमी पर अगर मुझसे नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर हियर, तो आप यहाँ पर जो मेरे फ्री कोर्सेज हैं उन्हें भी देख सकते हैं अनअकैडमी.com या लर्निंग ऐप पर जाकर। तो यहाँ सारे कोर्सेज फ्री हैं, तो आप इनको जरूर जरूर देखिए, एडवांटेज लीजिए आज के समय में इन बेनिफिट्स का। तो ये मेरा आपको सजेशन है, यहाँ फॉलो करें और एनरोल कर लें। ओके, कोर्सेज के लिए चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के टॉपिक पर बात करेंगे। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है मेरा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो है कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी को आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो कर्ट लेविन की जो फील्ड थ्योरी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं आपको बात करूंगा, शॉर्ट में आपको डिस्कशन करके समझा दूंगा। चलिए बात करते हैं इस पर। तो सबसे पहली चीज़ कि कर्ट लेविन फील्ड थ्योरी जो है वो कर्ट लेविन या लेविन जो आप कह सकते हैं कि फील्ड थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस पर क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है इसको हिंदी में, कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। तो ये याद रखिएगा दोनों से ही जो आपको समझ में आता है। अब कर्ट लेविन ने क्या कहा था कि इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के आधार पर वातावरण में व्यक्ति की स्थिति के व्यवहार को समझने हेतु व्यक्ति की जो स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित करते हुए मानचित्र करना और प्रश्नों की जानकारी होना आवश्यक है। इसका कहने का मतलब यह है कि इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के व्यवहार को अगर हम समझना चाहते हैं तो उसके जो उद्देश्य हैं उनको संबंधित करते हुए, मतलब वो लाइफ में क्या करना चाहता है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उस हिसाब से जो व्यवहार वो कर रहा है उसका कनेक्शन बनाना, उसको सही तरीके से जोड़कर समझ पाना, यानी कि एक व्यक्ति के उद्देश्य और व्यक्ति का व्यवहार किस तरह से सामने प्रदर्शित हो रहा है उसको समझते हुए हम कई चीजें उसके बारे में जान सकते हैं, उसका सही मानचित्रण कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत इन्होंने चार महत्वपूर्ण तत्व बताए थे यहाँ पर, जो कि इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं, शक्ति, अभिप्रेरणा, जीवन विस्तार और अवरोध। ये चार चीजें उन्होंने इंपॉर्टेंट बताई। इसके अंतर्गत समझते हैं कि इनको जानकर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में एक सही आधार समझ सकते हैं कि उसका क्षेत्र विस्तार कितना है, मतलब उसका एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट कितना है, कहीं ना कहीं हम कहें तो, और उसको समझ सकते हैं। तो शक्ति सबसे पहले बात करते हैं। शक्ति का मतलब ये है कि आप ये जानते हैं कि जीवन में नकारात्मक चीज़ें होती हैं और सकारात्मक होती हैं। जब आप नकारात्मक उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा है कि उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति को समझने में, तो उसके जो उद्देश्य अगर नकारात्मक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं तो आपकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है, नकारात्मक उद्देश्य आपकी शक्ति को कम कर देते हैं। और सकारात्मक जो उद्देश्य हैं, अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ लेकर चलते हैं जो आपको पॉजिटिविटी देती है, तो वो चीज़ आपको प्रेरित करेगी, एक अलग तरह की ताकत आपके अंदर भर देगी। तो जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको सकारात्मकता और नकारात्मकता को समझना है, क्योंकि नेगेटिव उद्देश्य अगर होंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव डालेंगे और मनुष्य की शक्ति को कम कर देंगे, वो नहीं कर पाएगा, उस लेवल की ताकत उसमें नहीं लगा पाएगा जो लगा सकता है एक पॉजिटिव उद्देश्य को अगर लेकर चल रहा है तो यानी कि कैसी उद्देश्यों को समझना है, कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, इनको समझते हुए अगर व्यक्ति चलेगा तो उसको तरक्की अच्छी मिल सकती है एक तरह से, और एक सही दिशा में वो आगे बढ़ सकता है, सीख बेहतर सकता है। ठीक है, अगला दिया था इन्होंने अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा में उन्होंने ये बताया था कि मनुष्य की जो अंदर से इंस्पिरेशन है या किसी भी तरह से वो इंस्पायर हो रहा है, इंस्पिरेशन उसको बहुत सपोर्ट करती है, वो इंटरनल हो या आउटर हो, इन सभी में अगर वो प्रवृत्ति अगर आपके अंदर आ जाती है कि हाँ ये मुझे करना है, इसके पीछे आपका कोई मोटिव बन जाता है, कोई कारण आपका बन जाता है, कोई इंस्पिरेशनल फैक्टर जुड़ जाता है, तो आप उस चीज को बेस्ट तरीके से करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरह की अभिप्रेरणा एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। कर्ट लेविन ने कहा कि बहुत जरूरी है अभिप्रेरणा, वो आपका डिसाइड करती है कि आप कितना आगे तक जाएंगे, कहाँ तरक्की करेंगे या सीखेंगे। ठीक है, जीवन विस्तार की बात है, तो जीवन विस्तार का मतलब है कि एक व्यक्ति की कुछ सीमाएं होती हैं। सीमाओं का मतलब यह है कि एक व्यक्ति में जो एबिलिटी है, उसकी जरूरतें हैं, उसकी योग्यताएं हैं, वो
पर्सनल होती हैं, मतलब मेरी आपसे अलग होगी, आपकी किसी और से अलग होगी, और उसके अनुसार ही उसकी जीवन में जो जीवन विस्तार है वो निर्धारित होता है। मतलब आप कितना अपने आप को आगे तक ले जाएंगे, एक मनुष्य किस प्रकार की चीजें अर्जित करेगा और किस तरह की चीजों को कर पाएगा अपनी आवश्यकताओं और उस परिवेश से संबंधित होकर आप अपने जीवन का विस्तार करते हैं। यानी कि आपकी एक तो जरूरत बनी कि आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, और दूसरा आपको उसके हिसाब से किस तरह का माहौल मिल रहा है, किस तरह का परिवेश आपके आसपास है, तो आप अपने जीवन का जो विस्तार है उस लेवल पर कर पाएंगे। यानी कि अगर आप चाहते तो हैं, कोई टारगेट आपका बड़ा है, आप सीखना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन आपको सही माहौल नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो जिस लेवल तक जाना चाहते हैं, जो जो विस्तार अपने जीवन का करना चाहते हैं, वो लिमिटेड रह जाएगा। और दूसरी चीज और है कि आपका अभी तक का विस्तार कैसा रहा है, आप अभी तक जो जीवन जीते आए हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या आपका पिछला जीवन रहा है, कहाँ से बच्चा आया है, क्या कर रहा था, तो वो भी आपको आगे बढ़ने में डिसाइड करता है। कि अगर आप बैकवर्ड क्लासेस से हैं, गरीब हैं, तो आप जानते हैं इससे चीजें आगे बढ़ने में प्रभावित होती हैं, तो आगे चल के भी ये चीजें आड़े आएंगी, आपके बच्चे के भी आड़े आएंगी, तो वो उसकी लिमिटेशन कितनी जा सकती है वो उसका बैकग्राउंड डिसाइड करता है। तो आज का और पिछला दोनों ही बैकग्राउंड जरूरी है जीवन विस्तार को समझने के लिए। अगला है अवरोध। अब अवरोध का मतलब है कि परेशानियां सभी की लाइफ में आती हैं, लक्ष्यों तक पहुंचने में जो भी अवरोध आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अवरोधों को कैसे हैंडल करता है, मुश्किलों से कैसे लड़ता है व्यक्ति, कैसे अपने आप को अभिप्रेरित करता है और आगे बढ़ता रहता है, वो उसको लाइफ में आगे बढ़ाने में काम करते हैं। तो सीखने में भी ये काम करते हैं कि अगर आप बच्चों को ये सिखाएं कि अवरोधों से डरना नहीं है, उनको प्रेरित करते हैं, सही टाइम पर उन्हें मोटिवेशन देते रहें, इंस्पायर करते रहें, पुनर्बलन देते रहें, तो लक्ष्य की तरफ वो बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। अदरवाइज हम अवरोध आने पर लक्ष्य से भटक जाते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे हम लोग हो। तो उन्होंने अवरोध को बहुत महत्वपूर्ण माना था। तो चार चीजें उन्होंने बताई, आपने देखा यहाँ पर। अब इसकी शिक्षक उपयोगिता यही थी कि ये सीखने को एक उद्देश्य से निर्धारित करता है, बच्चों को ये सिखाता है कि उद्देश्य लेकर चलिए, और उद्देश्य के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे एक सही प्लानिंग के तहत, अपनी शक्तियों कमजोरियों को समझते हुए, उनको व्यवस्थित करते हुए, ये जो चारों चीजें हमने समझी, शक्ति, अभिप्रेरणा, अवरोध और जीवन विस्तार, तो इन सभी चीजों को समझते हुए अगर चलेंगे और बच्चे की इन चीजों को आप टीचर होने के नाते आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप जीवन में जरूर उसे कुछ सिखा पाएंगे और वो भी कुछ कर पाएगा। तो इनका सीखने सिखाने से संबंधित, क्षेत्र विस्तार से संबंधित ये था कर्ट लेविन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे जो भी आपको अच्छा लगा है। शॉर्ट चीजों में मैं आपको बड़े कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन बना पाए, राइट? तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए इस एफर्ट को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, जुड़िए यहाँ पर, काफी सारी मदद आपको यहाँ पर होगी, बेल बटन के साथ में जरूर जुड़िए, ओके? और अनअकैडमी पर भी फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं, प्लस टैब में जाकर आप वहाँ पेड कोर्सेज भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।